दर मुझे छुरी मारी ये दोनों हाथों से मारी ये मेरे दोनों हाथों पे टांके लगे हुए हैं वो बेटी उसके भी कपड़े यूनिफॉर्म सारा खून से भरा हुआ था ये मेरे जिसम पूरे पर निशान थे मेरे से नौ साल से ऐसे कर रहा है मार पीटा ही कर रहा है पुलिस वालों ने ना तो उन लोगों को उसको मारा पीटा है ना कुछ क्यूँकी उसके घर वालों ने उसे पैसे दिए थे ना पुलिस वालों को भी जल्द से जल्द मुझे इन मिलना चाहिए जी नाजिन आयर बहुत से ऐसे वाक़ात सामने आते हैं कि घरेलू नाचाकी की वजह से ालिम शोहर ने बीवी पर हाथ उठाया मारने की कोशिश की उन्हीं में से एक वाक़ा आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ मेर रुबाब हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ एक ऐसा वाक़ पेश आया कि इनके शोहर ने इनके हाथ की उंगलियाँ काटने की कोशिश की बल्कि इनका गला भी काटने की कोशिश की तो पूछ लेते हैं ये सारा मामला क्या था किस तरह से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ और क्या नौबत आई थी इस हद तक वो जो ालिम शोहर है पहुँचा अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है उमिर बाब मैं ना तकरीबन आठ दिन से इधर अपनी मामा के घर में आई थी हमारा ना खर्चे से झगड़ा हो रहा था मैं कह रही थी मुझे खर्चा दो तो बच्चे स्कूल में भी जाते हैं वो कह रहा था मेरे पास नहीं आए इसलिए मैं इधर अपनी मामा के घर पे आ गई हूँ वो पीछे से मुझे लेने आया मैंने कहा मैंने नहीं जाना नौ साल हो गए मैंने कहा मैं देखो आप जब भी बोलते हो मुझे मारते पीटते हो खर्चा भी नहीं देते और मेरे घर वाले मुझे फोल्ड करते हैं जब भी मैं इधर आती कभी मामा दे देती कभी बड़ी सिस्टर दे देती कभी भाई दे देते साल हाँ, नौ साल साल शादी को होगी जी अभी ना खत्म होने वाला है तो नौ साल से आप खर्चा घर से ले रही हैं है हाँ आपके खर्चा नहीं नहीं देते। नहीं परेड भी होते हैं तो मेरे घर वाले मेरे भी उसका नाम क्या है मेरी हलप काटते हैं कभी सिस्टर काट देती है कभी अच्छा। भाई काट देते हैं वालदा और मेरा बच्चे हैं आपके मेरे तीन बच्चे हैं दो बेटे हैं एक बेटी है तो उसका नाम क्या है इस वजह से मुझे लेने आया मैंने कहा मैंने नहीं जाना वो मेरे छोटे बेटे को ले गया है मैं लेने के लिए गई हूँ इस वजह से उसने ना मुझे मारपीटाई की है और आगे से मुझे नहीं पता उसकी क्या प्लान थी जब मैं घर बच्चे को लेने के लिए गई इस वजह से उसने मुझे मारा है बहुत ज़्यादा मारा फिर उसने मेरे ऐसे गर्दन जो है ना उसका नाम क्या टेबल वाले पक्े में दी उसमें नहीं आई फिर उसने मेरे गले में ये ऐसे जो मेरे ऊपर था ना डबटा उसके साथ ही उसने मेरी गर्दन में भी उसका नाम क्या ब्लेड दी है फिर ऊपर से दोनों हाथों से ऐसे दिबाई है लेकिन मैं खुद मेरी आँखें वगैरह बंद हो गई थी मुझे नहीं पता मेरे यही था मैं ख़त्म हो गई हूँ फिर उसने इधर मुझे छुरी मारी ये दोनों हाथों से मारी ये मेरे दोनों हाथों पर टांके लगे हुए हैं उसने मुझे जब मारा ना आगे से ये मेरा छोटा बड़ा बेटा है ये इस नीचे से देख रहा था ये इधर आया है इसने मेरी मामा वगैरह को बताया और मोहल्ले वालों को मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो कान ताप करके उसने मुझे छिड़ाया नीचे से आगे से मोहल्ले वालों ने भी उसे देखा जब उसने मुझे मार पिटाई की है और उसने आगे से अंदर से भी कुंडी लगाई थी बाहर वाली कुंडी भी उसने ऐसे मुझे मारा है कि जैसे कसाई नहीं मारते इस तरह से ये मेरे जिसम पूरे पर निशान थे ये को अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अब टीके और बोतलें वगैरह लगा लगा कर ना तो मैंने अपने आप को ठीक किया है लेकिन उसने मेरे से नौ साल से ऐसे कर रहा है मार पिटाई कर रहा है कभी किसी बात से और शक शुभा है तो उसका लाजमी है छोटी छोटी बात बातें शक करना और वहम कर लेना इतने इतने गंदे गंदेल्ज़ाम लगाता है ठीक है मेरे तीन बच्चे हैं अभी मैंने मुझे मैंने जिसको भी ये इंटरव्यू दिया ना कि मुझे ना नसाफ मिलना चाहिए लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुनता ना, ना हमें ना नसाफ मिला है ना कुछ जो भी आता बस कहता है आप हमें इंटरव्यू दें लेकिन मेरी यही कुमर से यही गुजाश है कि, कि किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो जिससे मेरे साथ हुआ ना ऐसा किसी की बेटी के साथ ना हो ठीक है अब वो जेल में भी चला गया उसने मेरे भाइयों के ऊपर दरख्वास्त दी है मेरे ऊपर और उसने मेरे तीनों बच्चों को भी मारा है छोटे नौ साल से वो आपको मारता पीटता हाँ कुछ हुआ मतलब मना किया जाए मोहल्ले वाले और रिश्तेदार बह के साल साल वो यही कहते थे वो भी साथ में ले आता था, था। उधर से मोहल्ले वालों को और रिश्तेदारों को चलो हमारी सुलह हो जाए अच्छा। ठीक है वो दो मिन तीन माह सही रहता था फिर उसके बाद फिर होता क्या था उसको बस ऐसे ही लड़ पड़ता था छोटी छोटी बात पे मार ही मारपीटाई कर देना तो झगड़े कर लेना ना खर्चा देना ना बच्चों को ना मुझे तो मेरे घर वाले यही कहते थे बेटा तुम ये सोचो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं अब देखो इसके ऊपर से बाप का छाया छीन जाएगा तो आप क्या करोगे के लिए लेकिन उसने जब इस बार किया ना इस बार मेरे बच्चे को भी उनने मारा है ये मेरा बड़ा बेटा भी मेरे पास था और वो बेटी उसके भी कपड़े यूनिफॉर्म सारा खून से भरा हुआ था बच्चों को भी मारने की कोशिश हाँ किया। उसने बच्चों को धमकी भी दी और उसे ये मुझे छिड़ा रही थी मेरी बेटी कि पापा मामा को ना मारो ना मारो उसने इसको भी डरावा दिया हुआ था कि मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा लेकिन ये फिर सहम गई थी जब मोहल्लों वालों ने यह हाल मेरा देखा ना उन लोगों ने फिर इससे छुरी खींची है हमने वन फाइव पे कॉल की उन लोगों ने आकर भी देखा है इसने हमारे मोहल्लों वालों के सामने अपने कपड़े वगैरह फाड़े इधर गर्दन पे उसने खुद छुरी लगाई आगे से उसने ये बोला है कि इन लोगों ने मुझे कत्ल किया अच्छा हाँ उसने ये बोला इन लोगों ने मुझे कत्ल किया उसने लाइट को भी हाथ लगाए कि मैं इधर से ही खत्म हो जू और इन लोगों के ऊपर पह आगे से उन लोगों ने यह प्लान बनाया था मेरे तीनों बच्चों के को को कर कर, सुबह चला जाऊंगा अच्छा हाँ जी वो भी मीडिया वाले जो पहले आए थे वो बैग के भी सारे इंटरव्यू लेकर गए थे उन उन लोगों ने बैग वगैरह भी देखा और छुरी भी उन लोगों ने देखी थी जिस छुरी के साथ उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी ये आपके हाथ पे निशान है हाँ ये सारे उसी ने किए हाँ ये उसी ने किए ये देखो अभी तो टांके लगे हुए हैं इधर भी ये सारे उसी ने किए हैं तो इस वजह से मेरे घर वालों की यही कोशिश थी कि यह अपने घर में रहे और अपना गाड़ी बसाए लेकिन उसने जब भी देखा ना कि इस ये मैं चला जाता हूँ ले आता हूँ ये क्या करते हैं फिर ढोड़ देते हैं मैं जब भी जाता हूँ मेरे पास भेज देते हैं मसला उसके ये मसला था कि इसके घर वाले मेरी सपोर्ट करते हैं अच्छा मेरे बाब आपके शोहर का नाम क्या है जैन जैन तो जैन जो है वो नशा तो नहीं करता था पहले का तो पता है उसका नाम क्या पहले नहीं था करता तो अब का मुझे नहीं पता जब से उसने ये ना इसका अब मुझे नहीं पता शायद वो करता ही होए क्योंकि जब उसने ये हालत मेरी की तो नशे में की होगी इतना तो नुकसान में ऐसी नहीं होता लेकिन मुझे नहीं पता अब उसने नशा किया पहले घर पे जब आता था घर पे नहीं था कोई नशा वगैरह बाहर का नहीं मुझे पता बाहर शायद वो नशा वगैरह करता अच्छा जब आपके साथ ये सारा मामला पेश आया आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई होगी तो पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की पुलिस वालों ने ना तो उन लोगों को उसको मारा पीटा ना कुछ है। सिर्फ जाते थे रिमांड ले आते थे, थे जाते थे ये इतना सब देखने के बाद भी पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया नहीं उन लोगों ने कुछ नहीं हो क्योंकि उसके घर वालों ने उसे पैसे दिए थे ना पुलिस वालों को भी तो उन लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं है कल उन लोगों ने हमारे ऊपर पर्चा दिया था तो हमने पुलिस वालों को बोला कि हम तो मदई है इसने मेरे ऊपर कत्ल किया मेरे बच्चे को अल्लाह ना जाने उसको कुछ हो जाता अभी वो तो न नहीं जान है तो इसने आपने हमारे ऊपर क्यों पर्चा दिया उसने कहा देखो इसके घर वाले के गए हैं अब तुम ऐसे करो हमें पैसे दो हमने पैसे दिए उसे भी दस हजार रुपया उसने फिर हमारा पर्चा खारिज किया पुलिस वालों ने पहले पैसे लिए हैं फिर आप कम कदमा दर्ज किया हाँ जी उसके पहले नहीं उन्होंने खारिज किया अब कौन सा थाना लगता है ये सिटी थाना लगता है रेमंड में अच्छा हाँ तो अब उसका नाम क्या हम लाहौर में गए आज हमने वकील खुद खड़ा किया जब हमने देखा हमारी कोई बात नहीं सुन रहा आज हमने खुद वकील खड़ा किया हमने वकील को भी पैसे दिए उसने हमारे से लाख रुपया मांगा मैंने कहा हम तो खुद मज़दूर आदमी हैं मेरा पापा भी मज़दूर आदमी भाई में मैं कहाँ से दूंगी उनने कहा चलो बेटा मैं अभी तुम्हारा केस लड़ूंगा आगे बाद में देखूंगा ठीक है अब वो जेल में चला गया अल्लाह ना करे वो जेल से भी बाहर आ जाए तो वो फिर भी मेरे साथ कुछ कर सकता लेकिन मेरी ये कुमत से गुजारिश है जल्द से जल्द मुझे इनाफ मिलना चाहिए ठीक है हाँ मरियम नवाज़ हाँ जो हमें देख रही हैं और उनसे गुजारिश है कि ज़रूर उमर की ये दरख्वास्त सुनी जाए और अगर वो बंदा कल को जेल से बाहर भी निकल आता है तो दोबारा इनको जान से मारने की कोशिश ना करे और इस केस पर जो है वो मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए हाँ जी मेरी यही हुकूमत से गुजारिश है और जल्द से जल्द मैं तो यही दुआ मांगती हूँ उसे सज़ा होनी चाहिए क्यों जो उसने मेरे साथ किया मैं ये नहीं चाहती किसी के बेटे के साथ भी वो ऐसे करें मैं यही दुआ मांगती कि अल्लाह मियाँ उसे अब तो हो जाए क्यों मेरे जब बच्चों को मैं देखती हूँ ना मैं कहती इस शख्स से तो नुकसान जब भी अपनी बेटी का कुछ भी सोचे पहले ये सोचे कि मैं क्या करने लगा महा बाप बिल्कुल हाँ जी इसी के साथ अपनी मेज़बान को खुद इजाज़त अल्लाह